भाई हाँ, आपने कभी कस्टमाइज बर्गर खाया है? कस्टमाइज बर्गर? बर्गर पे कस्टमाइज? हाँ, कस्टमाइज बर्गर। अच्छा, मतलब एक तो कभी चिकन बर्गर भी खाया होगा, बीफ भी खाया होगा, चिकन भी खाया होगा, अल्हम्दुलिल्लाह खाया है। ये कस्टमाइज खाया है कभी? नहीं नहीं, कभी नाम सुना कस्टमाइज बर्गर? अपनी पसंद से बर्गर बनवाएंगे, गोश्त डलवाए, बीफ हो, चिकन हो, चिकन हो, इन तीनों का मिक्सचर करवा लें जिस तरीके से चाहेंगे, चीज हो, सॉस हो, जो बोलेंगे, जो बोलेंगे, मतलब जो ख्वाहिश करेंगे मेरे आका आपको मिलेगा। वाह मेरे मालिक, क्या बात है। तो बस चलते हैं बंदे के पास लेके। ये है वो बंदा जिसने कराची के अंदर ना कस्टमाइज बर्गर खोला है। भाई भाई क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप? आगे भाई, अच्छा ये जिनकी आप बात कर रहे थे कि मौलाना साहब ये बना रहे हैं, तो ये भाई साहब बना रहे हैं कस्टमाइज। तो कस्टमाइज में दो चाय डलवा लें जी। बिल्कुल, जैसे आपकी फरमाइश है, आप बोले हमें ये डलवानी, एक पैटी, सिंगल पैटी, डबल पैटी, ट्रिपल पैटी, फोर पैटी, बीफ भी ऐड करवाना है, जैसे कि मैंने आपको बताया भी था कि बीफ भी पाएंगे, ये इतनी पैटीज आप डलवा रहे हो, बोल लेना आपने कह दिया है। ये तो आप लोग के ऊपर है, आप लोग जितना खा सकते हैं, आप लोग मुंह का साइज और पेट का साइज देख के खाना है। बिल्कुल उस हिसाब से। तो भैया जुबैर भाई, जुबैर भाई दुकान का पहले तो दिखाते हैं, बता दें क्या लोकेशन है, क्या नाम है। आप लोग को जोर मोड़ से आएंगे, राबिया सिटी वाला रोड करेंगे, अभी यूनिवर्सिटी से आप लेफ्ट लेंगे, अभी यूनिवर्सिटी लेफ्ट लेंगे तो ये जोहर ब्लॉक 9 पड़ता है और पहलवानगोड रोड पड़ता है, ऑपोजिट जामिया मस्जिद बुखारी। ये कब्रिस्तान और मस्जिद एक साथ ही, इसके बिल्कुल ऑपोजिट है, और प्लेटिनियम के नाम से फूड प्लेनेटोरियम। तो अभी फूड प्लेटिनियम के नाम से है और फरहान ब्रांड के बहुत करीब है ना? जी बिल्कुल, बहुत करीब। टाइमिंग क्या है वैसे? टाइमिंग अभी फिलहाल जो है 5 से लेकर रात 2:30 बजे तक की, इंशाल्लाह मैं सुबह मतलब कि दोपहर 12 से लेकर रात 3 बजे की टाइमिंग करने लगूँ। बहुत जल्द यार, बहुत बातों से बोर हो रहे हो ना, मैं भी हो रहा। अब बना के दिखाएं कुछ अच्छा सा यार, लश पर्सा ना, तो ऐसा मजा आ गया। पहले तनवीर भाई के ऑर्डर देना पड़ेगा, आने से पहले फोन करेंगे या नहीं, या क्या ऐसे एट द टाइम आ जाएं? और आप एट द टाइम आ जाएं जो आपको चाहिए, लेकिन मेरे पास ये सहूलत भी है कि आप पिकअप ऑर्डर जैसे पांडा पे करते हैं, लाएगा पिकअप ऑर्डर, तो मेरे पास भी फोन करके ऑर्डर कर सकते हैं, यार मेरा ये कस्टमाइज बर्गर मुझे पिकअप पे भी चाहिए, हम उस पर कोई शरायत नहीं, आप कर सकते हैं। आप बोले कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, टेक अवे डाइनर में दोनों भाई। एक बता दूं कि इनका कस्टमाइज बर्गर तो हम खाने वाले हैं, लेकिन इनका जो डबल बीफ एटॉमिक, वो बीफ का मैंने खाया था, बहुत आला था मैं, लेकिन आज चिकन खाने के मूड में हूं यार। वो तो बनाओगे? वो इनके लिए यूनियन रोड हाउस कर देंगे, यूनियन रोड हाउस चिकन में। और बोल बस, उसमें टू टाइप्स ऑफ सॉस है, टू टाइप्स ऑफ चिकन। हम वो बंदे हैं ना, ठीक है बनाए, जुबैर भाई आप बनाए, हम लोग फिर अंदर ज्वाइन करते हैं आपको। Move your feet, we going up. Way too hot, it's burning up. Yeah, I just wanna party right now. I just wanna party right now. Move your body, let's turn it up. We too hot, it's burning up. Yeah, I just wanna party right now. I just wanna party right now. It feels good, stepping out in the sun. We just here to have a good time. Oh yeah. Until the night is done, you can't get enough. Ride into the dawn, we should let it go. भाई देखें, ये है आपके लिए चैलेंज। ये भाई साहब, मैं हार मान लूं, क्या करूं? क्या क्या मिक्स करवा लिया हमने हमने इसमें? हमने चिकन भी मिक्स करवाया, बीफ भी करवा लिया, मटन होता मटन भी करवा लेते हैं, जिंगर भी है इसके अंदर, यानी तीन इकसाम की पैटी से एक निवाले में तीन जन्नत के मजे आएंगे आपके भाई। और इसका वजन आप अगर करें ना तो कम से कम 1 kg के करीब करीब इसमें मीट का वजन हो जाएगा, अगर वैसे करें ना तो। इसके पैसे भी मीट के हिसाब से ही है, तो ये कस्टमाइज है ना, आप जैसी चीज चाहें और आप इसको जिस तरह से चाहें। और ये कराची के अंदर मैंने कभी सोचा नहीं था कि कोई बर्गर भी कस्टमाइज बना के देगा। टॉपिंग्स वगैरह हो जाती है कि चटनी ये डाल दी है, ये सॉस डाल दी, एक्स्ट्रा चीज कर दी, शुरुआत करें मैं। अच्छा मैं करूं? करें बिस्मिल्लाह, करें बिस्मिल्लाह, मैं यही सोच रहा हूं। चले भाई, तनवीर भाई ने शुरुआत कर दी है जबरदस्त। अब यार मैं भी यही सोच रहा हूं कि भाई यार कब उठा रहे हैं यहाँ पर हमारे बहुत हाथ मुँह पूरे सॉसेज से होने वाले हैं यार। स्पाइसी सॉस थी, मीट आया नहीं अभी तक, लेकिन सिर्फ बन आया और सॉसेज आई, उसी में बहुत मज़ा आया है। चलें ये देखें तनवीर भाई, इसका इसको खाने का तरीका फिर मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे पहले इसमें से निकालनी होगी इसकी। ये निकाल दी भाई हमने ये, और ये बन को हमने हटाया। अब हम दिखाते हैं भाई, देखें ये चीज़ के साथ ये बीफ की पेटी पूरी आ गई। बीफ की पेटी के नीचे जिंगर है, नीचे जिंगर है, फिर उसके नीचे चिकन है, मशरूम्स हैं, चिकन है। तो ये देखें भाई, मैं इसको पलट देता हूँ। ये देखें भाई, आपको ये दिख रहा होगा, ये निकालें, ये देखें, ये आया। अब मैं भी सोच रहा हूँ इसको इस तरह ही, जल्दी से मुंह साफ करें। छोड़े तनु भाई, मुंह साफ करने पे लगे रहेंगे ना हम, अगर तो होगा नहीं। गोश्त खो रहे ना? हाँ, तो मुंह साफ कर लूंगा। अगर आप गोश्त खो रहे हैं तो ये आपके लिए जन्नत है, गोश्त खोरों के लिए। और माइक पे ना आपको
मीट ही मीट आएगा। मुझे नहीं लगता एक बंदा इसे आराम से फिनिश कर सकता है। लेकिन ये 1300 रुपये का, लेकिन आता है यार इसमें अभी चिकन आया, जिंगर अभी तक पहुँचे नहीं सही से। हाँ चिकन की पेटी आई, बीफ की पेटी, बहुत आला है यार, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है भाई ये। अब दूसरे पे चले, आप दूसरे पे चले, आप ट्राई करें, उस पे करें, वो करें, मैं करता हूँ उसको, पहले आप आराम से ट्राई करें, आप करें करें करें, अगर आप दिखाएं तब तक मैं मुंह साफ कर लूँ। तो देखें भाई ये आ गया, ये बिल्कुल चिकन पे सही है, जिंगर की पेटी इसमें डली हुई है और उसके बाद क्रंची इनका जो ये चिकन की पेटी है वो साथ में डली हुई है भाई, ये ज़बरदस्त जो इनका है। अगर इसके मैं प्राइस आपको साथ साथ बताता चलूँ तो तकरीबन ये भी मेरे ख्याल से 650 के करीब का है, ये आपको पड़ेगा, और ये 680 रुपये का बीफ का साथ में पड़ेगा, इसमें डबल पेटी बीफ की, ट्राई करें ना। देखेंगे अनियन वनियन डले हुए इसके अंदर, ये काली मिर्च में पका होता है, काली मिर्च के ऊपर छड़काओ, ये देखेंगे बिल्कुल, ये जिंगर का टावर बना हुआ है भाई, और ये बंस में इसके साथ जो इतने सारे इसके फ्लावर्स मारते हैं भाई, बहुत ही औसम है भाई, आपका मुंह बड़ा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, दिल भी बड़ा होना चाहिए, जो बाइट के अंदर रिचनेस आती है ना इसके अंदर, और खासतौर पर जिनका जो डबल ऑटोमिक, ये मेरा फेवरेट था, मैंने सोचा था यार जरा ये इन्होंने कहा हमने कस्टमाइज शुरू कर दिया, लेकिन भाई अभी भी मेरा ये फेवरेट है, इसकी जो रिचनेस है ना बाइट की यार, मतलब जो बीफ है ना, बीफ बीफ होता है यार, मटर अच्छा, मैं खुद भी बीफ होता नहीं करता हूँ, चिकन इसलिए करने की सोच रहा हूँ, बीफ जो है ना बहुत अच्छा है, इसके अंदर सॉसेस बहुत अच्छी है, मशरूम्स की सॉस है, वाइट सॉसेस है इसके अंदर, चीज मेल्ट जो हुई है ना वो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है भाई। जरा ये आप चख लिया आपने? हाँ, और हम खत्म करते हैं क्योंकि जिस तरह हमारे हाथ खराब हो रहे हैं ना यार, बहुत ये मुझे उस तरीके से खाना पड़ेगा कि भाई बिल्कुल कैमरा बंद करके। लेकिन तनवीर भाई मुझे नहीं लगता था पहलवान गोट पे, ये जो जौहर ब्लॉक 9 है इसके साथ ही जो पहलवान गोट है वहाँ पर इतने अच्छे बर्गर्स, अच्छे सिंगर, हाईली रिकमेंड है, मैं नहीं समझता था इतने अच्छे रहते, बहुत ज़्यादा यार, मैं समझ रहा हूँ लोकेशन डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, आप वहाँ से भी आ सकते हैं, मगर फिर भी समझाते थे पहलवान गोट फरहान बिरयानी है, इसके साथ ही थी प्लेटिनियम के नाम से है, छोटा सा सेटअप है लेकिन जायका हीरो वाला डीएचए में ऐसा नहीं मिलेगा ना भाई, बहुत औसम लेवल है, बहुत जबरदस्त। तो भाई मेरी तरफ से हाईली रिकमेंड है, नासिर भाई हाईली रिकमेंड, बिल्कुल जबरदस्त सर। तो अभी इसको हम जरा खाएंगे असली अंदाज में मजे लेकर, तो वीडियो सलाम करें, अल्लाह हाफिज़ी, अल्लाह हाफिज़।